और अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं राजघाट से, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे आज ऑफिशियल तौर पर कांग्रेस के प्रेसिडेंट का पदभार संभालेंगे और इससे पहले वे राजघाट में पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को कांग्रेस की टॉप पोस्ट के लिए हरा दिया था और आज वे आधिकारिक तौर पर कांग्रेस के प्रेसिडेंट के तौर पर पदभार संभालेंगे। और इससे पहले वे राजघाट पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि 24 वर्षों में पहली बार गैर गांधी पार्टी प्रमुख बने हैं। दरअसल खड़गे को कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव अथॉरिटी के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री चुनाव प्रमाण पत्र आज सौंपेंगे और महात्मा गांधी को वे इस वक्त श्रद्धांजलि देने पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें कि इसके बाद वो पूर्व प्रधानमंत्रियों के स्मारकों पर भी जाएंगे और अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने सीधे मुकाबले में तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर को हराया था। तो सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं राजघाट से, जहां इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हुए हैं। आज सोनिया गांधी कांग्रेस के पदभार का जो चार्ज है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप देंगी। इससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में भी काफी तैयारियां हो रही हैं उनको ऑफिशियल तौर पर ये चार्ज देने के लिए। और इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हुए हैं राजघाट। रंजीता मेरी सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। रंजीता, तो मल्लिकार्जुन खड़गे आज ऑफिशियली अपना चार्ज संभाल लेंगे और उससे पहले वे अभी राजघाट पहुंचे हुए हैं, और क्या कुछ है उनके कार्यक्रम में और कितनी तैयारियां की जा रही हैं कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में? देखिए, कांग्रेस ने लंबे समय के बाद चुनाव के जरिए अपना नया अध्यक्ष चुना है और मल्लिकार्जुन खड़गे को नया अध्यक्ष चुना गया है। आज वो बतौर अध्यक्ष उनको पहले तो इलेक्शन अथॉरिटी के जो चेयरमैन है मधुसूदन मिस्त्री वो जीत का सर्टिफिकेट देंगे, जो चुनाव उन्होंने जीता है अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे। और इस दौरान सोनिया गांधी जो अभी अंतरिम अध्यक्ष रही कांग्रेस पार्टी की, लंबे समय तक कांग्रेस की वो अध्यक्ष रही है, उनके कार्यकाल किस तरह के रहे, एक सफल कार्यकाल उन्होंने, क्योंकि उनके ही कार्यकाल में दो बार यूपीए की सरकार रिपीट हुई केंद्र में, इन तमाम चीजों पर आज के इस कार्यक्रम में विशेष हम कह सकते हैं कि जानकारी दी जाएगी और कहीं ना कहीं एक फेयरवेल सोनिया गांधी को दिया जाएगा अंतिम अध्यक्ष के तौर पर। कांग्रेस मुख्यालय में इस बाबत एक अच्छी तैयारी, एक बड़ी तैयारी की गई है। सभी के पहुंचने को कहा गया है, चाहे वो दो राज्यों के मुख्यमंत्री हो, अशोक गहलोत पहुंच रहे हैं दिल्ली, भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, वर्किंग कमेटी के तमाम जो सदस्य हैं, इसके अलावा सांसद, विधायक दल के नेता, प्रदेश अध्यक्ष अलग अलग राज्यों के, ये सभी आज के कार्यक्रम में शामिल होंगे। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में ब्रेक में जो है वो है और माना जा रहा है कि राहुल गांधी आज उनकी वापसी भारत जोड़ो यात्रा में तेलंगाना में हो सकती है, उससे पहले आज वो भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, इस तरह की भी खबर निकल कर आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे अभी राजघाट पहुंचे हैं, वहां बापू की समाधि पर गए हैं और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं अपनी आज तक की राजनीति में गांधी को एक अहम भूमिका देती है और ये माना जाए कि बतौर अध्यक्ष जो नई पारी की शुरुआत खड़गे कर रहे हैं उसमें वो गांधी का, महात्मा गांधी का आशीर्वाद लेने के लिए गांधी स्मृति वहां राजघाट पहुंचे हुए हैं। उसके बाद वो AICC मुख्यालय पहुंचेंगे और 10:30 बजे से कांग्रेस मुख्यालय में ये कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन इसी के साथ अगर देखा जाए तो खड़गे जब आज पदभार संभालेंगे, ये कांग्रेस प्रेसिडेंट की जो कुर्सी है वो फूलों से भरी हुई नहीं है, बहुत चुनौतियां भी हैं क्योंकि कई नेता कांग्रेस के बड़े हैं जो कि अब कांग्रेस को छोड़कर अन्य पार्टियों की ओर रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कितनी चुनौती? देखिए, खड़गे के लिए एक बड़ी चुनौती है, सिर्फ एक तरफ नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी को एकजुट रखना और
जो चुनाव वाले राज्य हैं उनमें बेहतर प्रदर्शन करना। दोहरी चुनौती से गुजरेंगे खड़गे जब प्रदेश अध्यक्ष का पदभार वो संभालेंगे, क्योंकि एक बड़ी चुनौती अपनों से लड़ने की है, अपनों को एकजुट करने की है। ये एक बड़ी चुनौती उनके लिए रहेगी, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे हम पंजाब चुनाव की बात करें या फिर अलग अलग राज्यों में जब चुनाव नहीं भी रहता है, कांग्रेस में नेता नाराज होकर पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में सरकार तक गिर गई जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ी, तो ये एक बड़ी चुनौती है खड़गे के सामने। एक तरफ बीजेपी जो आज के दौर में सबसे मजबूत पार्टी कही जाती है, न सिर्फ केंद्र बल्कि लगभग सभी राज्यों में, कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार है, ये एक बड़ी चुनौती है। और अपने नेताओं को साथ कर रखना, ये खड़गे के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। G23 माना जाए कि एक तरह से खत्म हो गया है, क्योंकि जब खड़गे ने प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन किया था तो G23 के जो नेता हैं, जो लगातार कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, वो उनके प्रस्तावक के तौर पर निकलकर सामने आए। चाहे हम आनंद शर्मा की बात करें या फिर G23 के दूसरे सक्रिय सदस्य, तो हालांकि इस विरोध को खत्म नहीं माना जा सकता है, विरोध और चुनौतियां लगातार खड़गे के साथ चलती रहेगी। देखना होगा कि उसका निपटारा वो किस तरह से करते हैं। जी बिल्कुल, चुनौतियां बहुत हैं। तो आज हम देख सकते हैं कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे जब वे पदभार संभालेंगे तो क्या कुछ कहते हैं, इस पर भी नज़र बनी रहेगी। मैं आपसे एक और सवाल ज़रूर लेना चाहूँगी रंजीता, ये बताइए कि जब आज मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधन करेंगे तो हम क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हालांकि ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक एजेंडा पेश कर सकते हैं कांग्रेस का, और उनकी टीम में कुछ चेंजेस हो सकते हैं? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जब अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे थे उस दौरान उन्होंने शशि थरूर की तरह एक मैनिफेस्टो नहीं जारी किया, लेकिन जिन जिन राज्यों में वो चुनाव के लिए गए, पीसीसी डेलीगेट जो वोटर है कांग्रेस अध्यक्ष के लिए, उनके पास जब वो कार्यक्रम में पहुंचे तो उन्होंने एक बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया, वो ये था कि उदयपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें जो प्रस्ताव पास किए गए थे कि कांग्रेस के संगठन में चाहे सरकार में 50 उम्र के जो 50 से नीचे उम्र के जो नेता हैं उनको भरपूर मौका दिया जाएगा संगठन में भी और सरकार में भी, इस बात को वो पुरजोर तरीके से उठा रहे थे। और वो कह भी रहे थे कि जब वो अध्यक्ष बनेंगे तो ये बदलाव सबसे पहले संगठन में दिखेगा और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका दिया जाएगा संगठन के बड़े पदों पर। तो ये एक चैलेंज भी हम कह सकते हैं खड़गे के लिए होगा, और एक एक बड़ा बदलाव भी हम कांग्रेस पार्टी के अंदर देखेंगे। हालांकि खड़गे खुद जो है वो वरिष्ठ नेता है, लंबा अनुभव है उनके पास राजनीतिक तौर पर, संगठनात्मक तौर पर, और कहीं ना कहीं कर्नाटक में एक लंबी पारी उन्होंने खेली है, विधायक से लेकर अलग अलग जो पदों पर वो रहे हैं, तो ये एक हम कह सकते हैं एक अनुभव का भी लाभ उनको हो सकता है। लेकिन देखना होगा कि उनके अध्यक्ष बनने के बाद जब वो चार्ज लेते हैं उसके बाद क्या कुछ बड़े बदलाव वो अपनी तरफ से करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, तो क्या कुछ कांग्रेस में बदलाव होंगे इस पर जरूर नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपके सामने जो सीधे स्क्रीन पर हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त राजघाट में पहुंचे हुए हैं, श्रद्धांजलि अर्जित कर रहे हैं। आपको पूरी अपडेट इस बड़ी खबर पर दिन भर हम देते रहेंगे।